दोस्तों 8 दिनों से ये जंग चल रही थी, अब ये जंग महायुद्ध में बदल चुका है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, इससे पहले खबर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हिजबुल्ला की तरफ से लगातार इजरायली ठिकानों पर गोलीबारी की जा रही थी। अब ये जंग जो है अब महायुद्ध में है, जहां अब हिजबुल्ला की तरफ से एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया और बता दिया गया कि जो इजराइल के 5 ठिकाने लेबनान बॉर्डर शिबा फार्म के पास थे, उसे उड़ा दिया गया है। किस तरीके से इसे उड़ाया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों आपने देखा ये वीडियो के किस तरीके से शिबा फार्म पर यह हमला जो है और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां अब इजराइल जो है इस जंग को लड़ रहा था, अब जंग ये महायुद्ध में है। तो इजराइल के दोनों तरफ से एक तो गोलियां बरस रही हैं, रॉकेट बरस रहे हैं, तो वहीं कसाम ब्रिगेड की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। जो वीडियो आप लोगों ने देखा, और इस वीडियो के साथ में ये भी बताऊंगा कि किस समय पर यह हमला हुआ है, आपने देखा कि किस तरीके से यह हमला किया गया, और इंटरनेशनल मीडिया में इसको खास तौर पर तवज्जो दी गई है कि वॉइन कवरेज जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से यह हमला जो है वो हिजबुल्ला की तरफ से किया गया, और देखते ही देखते मिसाइलें दागी गईं और 5 जो जंगी खाना बना रखा था लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के, उसे उड़ाने का काम किया गया। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि कैसे ये उड़ाया गया। हिजबुल्ला सेज इट टारगेटेड 5 इजरायली आउटपोस्ट्स डिस्प्यूट शिबा फार्म्स, जो कि तस्वीर आपके सामने है और कैसे ये हमला हुआ है। अब जो लोग खासतौर पर भक्तगण कह रहे थे कि भैया इजराइल जो है वो सबको मार देगा, अब इजराइल को ये नहीं पता था कि वो जंग तो हमास से शुरू करेगा पर बात हिजबुल्ला तक पहुंच जाएगी, और यही बात अब और अन्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस जंग में अगर सीरिया ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया तो इजराइल की घेराबंदी जो है वो तमाम देशों की तरफ से शुरू होगी, क्योंकि घेराबंदी तो गाजा की इजराइल ने बखूबी की है, पर अब इजराइल की ही चारों तरफ से घेराबंदी हो जाएगी। ये इजराइल को इस जंग में सपने में भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमास ने घमंड को चकनाचूर किया, घर में घुस करके मारा, तो हिजबुल्ला जब है इसे अंजाम दे रहा है, और हमास को बैकअप करके एक कड़ा मैसेज दे दिया गया है। जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अब उसमें हिजबुल्ला पूरी तरीके से हमास के साथ है, और जंग की ये तैयारियां पहले ही बता दी गई थी, जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये कहा गया है शेख नईम कासिम की तरफ से, हिजबुल्ला के लीडर, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लेबनान बॉर्डर पर जो बनाया गया था लगातार ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे थे, और ये लगातार हमले कर रहे थे लेबनान बॉर्डर पर, इसलिए टारगेट करके मोटर दाग करके उसे उड़ाने का काम किया गया। जो कि आप देख सकते हैं कि लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने 14 अक्टूबर को कहा कि उसने लेबनान इजराइल सीमा पर स्थित विवादित शिबा फार्म्स क्षेत्र में 5 इजरायली चौकियों को निर्देशित मिसाइलों मोटरों गोलों से दागा है और उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूत कर दिया है। समूह ने एक बयान जारी करके कहा कि आक्रमकता दोपहर 3:15 पर हुई। यह साफ तौर पर टाइम भी बताया गया कि 3:15 पर यह हमला जो है हिजबुल्ला की तरफ से इजरायली सैनिकों के ऊपर किया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में जो है हिजबुल्ला के ऊपर और हमास के ऊपर इजरायल की कार्रवाई तेज हो रही है, और जब दिन का समय आता है तो इसमें इजराइल को मार खानी पड़ रही है दोनों तरफ से। जो कि आप देखें कि इससे पहले शुक्रवार को भारी हथियारों से लैस ईरान समर्थित समूह ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि सही समय आने पर युद्ध में समूह हमास के साथ शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि जंग की तैयारी हिजबुल्ला ने शुरू कर दी थी, क्योंकि ये जंग जो है 5 दिनों से हिजबुल्ला के साथ सिर्फ तनातनी में चल रही थी, और अब हिजबुल्ला ने पूरी तरीके से इस जंग में आकर के एक कड़ा संदेश दिया, जो कल हिमाकत लेबनान बॉर्डर पर इजराइल द्वारा की गई, जिसमें तस्वीर सामने है कि हिजबुल्ला के उप प्रमुख नईम कासिम ने बैरूत दक्षिण उपनगर में फिलिस्तीनी समर्थक रैली में कहा कि हम हिजबुल्ला के रूप में टकराव में योगदान दे रहे हैं और अपनी योजना के तहत इसमें योगदान देना जारी रखेंगे। खुला खुला ऐलान है कि अब ये रुकने वाली नहीं है जंग, अब ये जंग जो है वो महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जब कार्रवाई का समय आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। आधिकारिक टिप्पणी ईरानी विदेश मंत्री की बैरूत यात्रा के साथ मेल खाती है, जिसमें हिजबुल्ला को युद्ध से बाहर रहने का ऐलान खंडन किया गया, जो कि कल ही जाकर के मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री की हिजबुल्ला के सीनियर लीडरों से होती है, उनके नेताओं से होती है लेबनान के। और साफ तौर पर यह बताया जाता है, जब धमकी दी जाती है अमेरिका द्वारा, क्योंकि हिजबुल्ला द्वारा भी कहा गया कि साहब आप अगर हथियार इसराइल को देंगे तो इसमें हम भी हिस्सा लेंगे, और अगर ये कदम अमेरिका की तरफ से इसराइल को सपोर्ट नहीं आता तो इसराइल का क्या हश्र इस जंग में होता, ये तो हमास ने महज घर में घुस करके ही बता दिया। जो कि आप देखें कि कहा गया कि महान शक्तियां अरब देशों, संयुक्त राष्ट्र के दूतों पर्दे के पीछे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें हस्तक्षेप ना करने के लिए कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानता है। लेबनान ने शनिवार को सीमा पार से हुई गोलीबारी के लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें शुक्रवार को सीमा के पास एक पत्रकार की जान चली गई थी और 6 अन्य लोग घायल हुए थे। इजरायल की सेना ने बयान जारी कर कहा कि वे घातक हमले की परिस्थिति का दौर है। सैन्य प्रवक्ता रिचर्ड हिचिड ने मारे गए रॉयटर्स के वीडियो पत्रकार इस्लाम अब्दुल्ला के संदर्भ में एक ब्रीफिंग में कहा, हमें पत्रकार की मौत पर बेहद दुख है और हम इस पर माफी मांगते हैं, जो ये बताता है इसराइल के उसकी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि वो सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर गिरेगी, पर वो गिर रही है मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, वो गिर रही है खासतौर पर उन पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि हड़ताल किसने शुरू की, हिचिड ने कहा कि हम इस गौर कर रहे हैं। लेबनानी सेना ने बयान में कहा कि इजरायली दुश्मन ने एक रॉकेट गोला दागा जो मीडिया टीम की नागरिक कार पर गिरा, जिससे इस्लाम अब्दुल्ला की मौत हो गई। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इजरायल की निंदा की और हमले में जानबूझकर की गई हत्या को अभिव्यक्ति और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के खिलाफ करार दिया है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है कि अब इसराइल इस जंग में दो तरफ से घिर चुका है, ये जंग महायुद्ध में बदल चुकी है, जहां लेबनान बॉर्डर के पास गोलीबारी में पत्रकार की मौत हो गई थी और 5:20 पर पत्रकार की मौत पर इसराइल ने मांगी माफी। कल गोलीबारी में उसकी जान चली गई थी, पत्रकार को शहीद कर दिया गया था। ये तमाम तस्वीरें जो हैं इस जंग की लगातार सामने आ रही है, और ये जंग अब कितनी खूंखार हो चली है इसका भी अंदाजा शायद इसराइल को कभी सपने में भी नहीं था।